में भी छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। राजधानी के महादेव घाट में शनिवार शाम को भारी संख्या में महिलाओं ने छठी मैया की पूजा की। घाट में महिलाओं ने परिवार सहित सूर्य देवता की आराधना की। व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को आर्घ दिया। इस मौके पर महादेव घाट में भजन संध्या का आयोजन किया गया। पूजा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। वहीं छठ महापर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। मैं सभी माताओं बहनों को भी बहुत बधाई देता हूँ कि अपने परिवार के लिए बहुत कठिन उपवास रखती हैं। दो दो दिन तक के उपवास रखना, पानी में खड़े रहना कोई आसान काम नहीं है। परिवार के लिए इतनी कठिन तपस्या कोई माता या बहन ही कर सकती है, पत्नी कर सकती है, अपने बच्चों के लिए करती है, अपने पति के लिए करती है, परिवार के लिए करती है। मैं सभी व्रती जितनी भी बहने हैं सबको बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी के महादेव घाट में छठी व्रत महिलाओं ने भगवान सूर्यदेव को यहाँ पर अर्घ दिया है। बड़ी संख्या यहाँ पर महिलाओं की, बच्चों की और आम लोगों की यहाँ पर देखी जा रही है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसको खासे तौर पर मनाया जाता है, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने महापर्व मनाया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात। हाँ, हम लोग छठ पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है, मन्नत माने हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। न सिर्फ बिहार में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में लोग इसे मनाते हैं। हाँ, जैसे बिहार में मनाता है, जैसे छत्तीसगढ़ में अच्छा मनाते हैं हम लोग। आप लोगों ने सूर्य को अर्घ भी दिया है, क्या मनोकामना मांगी है? जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। हम लोग बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, ये हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये सरकार ने छुट्टी भी दिया है इस बार, इन साल बच्चे लोग को भी छुट्टी ही मिला है, बच्चे लोग के लिए भी। कितना महत्व है ये छठ महापर्व का? बहुत महत्व है, हम लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, बहुत धूमधाम से मानते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार यही छठ पूजा मानते हैं। ये तो बहुत अच्छा दिया, धीरे धीरे इसकी जो बढ़ाने मनाने की जो वो है, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। अभी दो तीन साल से बहुत ज्यादा इसकी मान्यता बढ़ गया छठ पूजा की। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग भी मतलब काफी उसमें मानने लगे इसको। क्या परंपरा रहती है इस पर्व की? जैसे जैसे मानने के रहे निर्जाला रहते हैं तीन दिन, निर्जा 36 घंटा के लिए। जैसे हम करते हो कि मेरा बाबू लोग के मानसा पूरा हो जाएगा, तो मान जन पूरा हो जाते हैं, मिल जाता है, तो हम लोग खुशी से करते हैं धूमधाम से। हाँ, यही आस्था और श्रद्धा के जरिए जो महिलाएं हैं वो माँ छठी की आराधना कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच कर माँ छठी और सूर्य देवता की आराधना कर रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी